तीसरे चरण की वोटिंग को लेकर बीडी शर्मा ने कहा, तीसरे फेज का मतदान में इस बार दो चरणों के मतदान परसेंटेज सभी के प्रयासों से बढ़ा है। मतदाता भाइयों बहनों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। खरगोन की सभा में पीएम मोदी ने जो अपील मतदाताओं से की थी उसका असर दिखाई दिया। उन्होंने कहा, चौथे फेज में हमारे कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो उसके लिए जुटे हैं। मीडिया के मित्रों ने भी मतदान बढ़ाने में सहयोग किया है। आज तीसरे फेज का मतदान अभी समाप्त हुआ है और इस फेज के मतदान में महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार जो पिछले दो चरणों के मतदान में वोटिंग प्रतिशत को लेकर के बड़ा एक प्रश्न खड़ा हो रहा था, लेकिन इस बार सभी के प्रयासों से शासन प्रशासन सामाजिक संस्थाएं पॉलिटिकल पार्टीज सब लोगों ने जो प्रयास किए उसके कारण मतदान का प्रतिशत लगभग 68 से 70 के बीच जाने की संभावना है। अभी फाइनल आंकड़े उसके आएंगे। इसके लिए उन सभी लोगों को धन्यवाद और मतदाता भाई और बहनों ने जो बढ़ चढ़ करके मतदान किया है इसके लिए भी उनको बहुत भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं धन्यवाद करता हूं। और इस मतदान प्रतिशत में सुबह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खरगोन की सभा से जो जनता से अपील और आह्वान किया उसका भी एक बड़ा व्यापक असर इस मतदान के प्रतिशत में रहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील की तो जनता जनार्दन ने मतदाता भाई और बहनों ने बढ़ चढ़ करके मतदान में हिस्सा लिया। तो लोकतंत्र के महापर्व के लिए सभी मतदाता भाई और बहनों ने अपने मतदान के अधिकार का उपयोग किया, ये एक अच्छा संकेत इस फेज के अंदर मिला है। और आगामी आने वाले जो हमारा चौथा फेज है जो 13 तारीख को मतदान जिसका होगा उसके लिए भी हमारे कार्यकर्ता भी व्यापक तैयारी के साथ जुटे हैं, उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो ये हम सब लोगों का मिलकर के प्रयास है। मीडिया के मित्रों का भी बहुत धन्यवाद कि आपने भी मतदान के प्रतिशत में बढ़ाने के लिए जो योगदान दिया, चीज़ों को लोगों तक कनेक्ट किया, इसलिए मीडिया के मित्रों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सामाजिक संस्थाओं का भी शासन प्रशासन के लोगों का भी बहुत बहुत